पोर्तुगीज के टाइम का जो जेल है वो है यहाँ पर, पुर्तगाल पोर्तुग्यूज, मेरे से तो बोले भी नहीं जाता भैया, अंग्रेजों के जमाने में आ गया हूँ मैं, इधर भी घंटा है। कितनी सॉरी तोपे रखी है यार, चला दो पैस की यहाँ, कहाँ दिक्कत आ रही है। तोपे देखिए पुराने टाइम की, वो है दिखा रखा है कि कैसे इनको सजा देते थे। उस टाइम का सेल है, कैसी चक्कियां होती थी, मतलब कह दियो कि वाट लग जाती होगी, तो उस टाइम पे सोचो कि यहाँ क्या हाल होता होगा। नमस्कार अंकल जी, ये उस टाइम की दीवारें हैं, देख लो अभी तक कैसे काई जमी हुई है भाई साहब। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, मैं हूँ रोहित और मेरे चैनल का नाम है नोमैड रोहित। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं एग्वाडा जेल की तरफ, जो पुर्तगालियों के टाइम का जेल है, तो देखते हैं जाके कैसा वहाँ का माहौल है, तो बने रहिएगा एंड तक देखना वीडियो, मजा आएगा। तो अभी मैं आया हूँ ब्रेकफास्ट करने, टाइम तो 12:30 हो रहे हैं, पर क्या करें थोड़ा लेट हो गया मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। रेस्टोरेंट पर बैठा हूँ, कोई करी हाउस करके रेस्टोरेंट है ये, पोर्ट और कैंडोलिन बीच के रास्ते के बीच में। तो अभी बैठे हैं, अभी मैंने ऑर्डर किया है एक ब्रेड टोस्ट एंड कॉफ़ी, क्योंकि मेरे को मेडिसिन लेनी थी, शरीर थोड़ा ऐसे हो गया रात का। यहाँ का मौसम मतलब अजीब सा ही हो रहा है, यहाँ का मौसम यार, कभी धूप हो जाती है कभी बारिश हो जाती है, तो यही सिस्टम चल रहा है। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट करते, ब्रेकफास्ट आती उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई साहब ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट एंड बार है ये, करी हाउस करके कुछ, ये देखो ये करी हाउस करके है कुछ, तो ये है रेस्टोरेंट या बार वगैरह है। तो यहाँ पर बैठा हूँ ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करके फिर चलते हैं फोर्ट की तरफ। तो ये रास्ता जाता है पूरा एग्वाडा जेल की तरफ, और फोर्ट की तरफ भी यही जाता है, फोर्ट के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ता है और जेल के लिए पहले ही हमें राइट में कट लेना होता है। तो अभी चलते हैं एग्वाडा जेल और आपको दिखाते हैं वहाँ का जेल जो पुर्तगालियों ने अपने टाइम पर बनाया था। तो देखते हैं क्या इस जेल में खास। तो अभी मैं आया हूँ, तो वो पुराने टाइम का, अंग्रेजों के टाइम का, पोर्तुगीज के टाइम का जो जेल है वो है यहाँ पर, और साथ में ये आप देख सकते हो ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलते हैं अंदर और अंदर दिखाते हैं आपको आज पुराने टाइम का पुर्तगाल पोर्तुग्यूज, मेरे से तो बोले भी नहीं जाता भैया, जुबान चिपक जाती है। तो चलो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो भाई साहब ये जेल का मेन गेट है, और इधर पूरा सी है, कैलंग गेट, बीच बागा बीच, सारी उस साइड दिखेंगी। और ये है यहाँ का जेल। तो ये जय हिंद और अपना सारा हिसाब किताब बना रखा बढ़िया, सब इन्हीं के टाइम का है, पुर्तगीज के टाइम का सारा। और अंदर चलते जेल की तरफ, देखते क्या कुछ हिसाब किताब है, इतनी प्यारी प्यारी बना रखे हैं यहाँ पर मूर्तियाँ। तो पहले के टाइम का दिखा रखा है, ये देखिए समुद्र की लहरें क्या खतरनाक खतरनाक है। और ये दूसरा एंट्रेंस है इनके जेल का, पुर्तगीज जो फोर्ट है, मेरे से नाम नहीं ले जा रहा भैया, सॉरी, कोई बेइज्जती करे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रेंस से ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कौन सी जगह आ गया हूँ, वो तो एक नंबर जगह लग रही है मेरे को, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजों के ज़माने में आ गया हूँ मैं। एक चीज़ दिखाऊँ, इधर भी घंटा है। तो घंटे तो भैया पूछ मत, कितनी सॉरी तोपे रखी है यार, चला दो पैस की यहाँ, कहाँ दिक्कत आ रही है, देखो। तो ये है यहाँ का फोर्ट का जेल जो पुर्तगीज के टाइम में था। तो चलो बैक कैमरे से सारा दिखाता हूँ, लहरें देखिए आप लोग, ये देखिए खतरनाक, वो देखिए एक नंबर व्यू आ रहा भाई कसम से। तो भाई साहब तोपे देखिए पुराने टाइम की, लाइन से लगी हुई है ये, स्टार्टिंग से लेके वहां से लेके बिल्कुल एंड तक जेल के।
मतलब इतनी तगड़ा वो सिस्टम था उनका पुर्तगीज का। सामने ही कुछ है मतलब रेजोर्ट वगैरह ये शायद सामने, और इधर है पूरा समंदर और इधर है अपना जेल, अपना ही मतलब जो पुर्तगीज के टाइम का जेल था ये वो जेल है। तोपे देखो, तोपे कितनी खतरनाक लग रही है। तो एंट्रेंस आ चुकी है जेल की, अभी यहाँ एंट्रेंस करते हैं अंदर और फिर दिखाते हैं आपको पूरा जेल। ये यह यहाँ की एंट्रेंस जेल की, और घंटे लगे हुए हैं। ये जितनी भी रखी है सारी पुराने टाइम की, जितनी भी तोप वगैरह है ये सब उस टाइम की रखी हुई है यहाँ पर। तो ये एंट्रेंस है यहाँ की और पूरी डिटेल दी हुई है यहाँ पर, लिस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स गोवा दमन एंड दीव, सबके नाम लिखे हैं यहाँ पर जितने भी है, मतलब पूरी हिस्ट्री से रिलेटेड है ये सारी। अपने हिंदू धर्म से रिलेटेड लगा रखे हैं और ये यहाँ के सेल सेल है, मतलब जो हम बोलते बैरिंग जो वो है, दिखा रखा है कि कैसे इनको सजा देते थे भूत केस के टाइम पे। तो ये है भैया, पूरा खतरनाक लग रहा है। ये कुछ है ब्लैक बोर्ड टाइप और इधर बैठने का पता नहीं, देखते हैं अंदर जाके। और अच्छा इधर से भी सेल, तो और ये सारा उस टाइम का सेल है, बैरिंग बोलते हैं इन लोग इसको अपनी लैंग्वेज में। तो अंदर से दिखाते हैं, ये देखो तो ये सेल्स है सारे के सारे टू जेड। अब तो खैर कुर्सियाँ वर्सियाँ लगा दी, चलो तो ऊपर जाके देखते हैं ऊपर क्या। हवा बहुत तेज चल रही है और लहरें तो पूछो मत ऊपर तक आ रही है फोर्ट के, आई मीन जेल के। ये है अपर काल कोठरी, देख लो भाई उस टाइम की। सारा पुर्तगीज टाइप है ये। अब तो खैर तो कारीगर वगैरह वो रह रहे हैं इसके अंदर, बैरिंग थी किसी टाइम पर। मतलब भाई कसम से लग रहा है कि हाँ उस टाइम पे कितना खतरनाक जेल होगा, अपने इंडिया के जेलों से पुर्तगीज वाले कैसे जेल रखते थे, मतलब खतरनाक। इधर तो बंद है रास्ता, उधर ही चलते हैं। ये कुछ बैरिंग है, बैरिंग की वो है ये खिड़कियाँ। तो भाई साहब ये उस टाइम की चक्कियाँ देख लो, कैसी चक्कियाँ होती थी, मतलब कह दियो कि वाट लग जाती होगी ये सब करने में। और ये सारे बैरिंग्स हैं, ये चक्की है, खतरनाक जेल है भाई। अपने अभी ऐसा है तो सोच लो कि अपने टाइम पे कैसा होगा, बहुत खतरनाक जेल है, बहुत खतरनाक। अभी तो खैर कुछ नहीं है, अब तो टूरिस्ट एरिया बन गया, लेकिन जिस टाइम पे यहाँ कैदी रहते थे पुर्तगीज के टाइम पे, तो उस टाइम पे सोचो कि यहाँ क्या हाल होता होगा, अंत है भाई। ये देख रहे तुम चक्कियाँ, चक्कियाँ बड़ी मतलब सही है भाई, सही है। तो भाई देख लो ये पूरा गोवा के अंदर जो जेल है पुर्तगीज के टाइम का। तो अभी तो खैर पब्लिक आ रखी है, अभी तो रश भी नहीं है वैसे इतना, बाकी ठीक बना रखा। अभी तो इसमें पेंटिंग वगैरह भी कर दिया अपने हिंदू के धर्म से रिलेटेड समथिंग। तो चलो और ये हम बाहर आ गए हैं वापस, कुछ मतलब इतना वो नहीं था, बाकी हाँ अच्छा था। आप घूम सकते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो। ये मेन एंट्रेंस है जेल की, ये मेन एंट्रेंस है, इधर समुंदर दिखेगा आपको। और ये सारी छोटी तोप बड़ी तोप जितनी भी होती हैं ये लाइन से दिखेगी आपको, तो मतलब उस टाइम पे कितना खतरनाक होगा खुद सोच के देखो। और भाई सच्ची बताऊं, ये मेरी लाइफ का पहला सोलो ट्रिप है जो मैंने गोवा में किया है,
मजा आ रहा है, किसी के साथ आने से बेटर है भाई अपना बैग उठाओ और निकल पड़ो घूमने। तो मजा आ रहा है, ये सारा फोर्ट है पीछे, तोप वगैरह रखी है। तो यही है गोवा, आप आए और घूमे गोवा। ऐसा नहीं है मानसून में नहीं घूम सकते, मानसून में आपको कुछ ज़्यादा ही मजा आएगा जो नॉर्मल नहीं आ सकता, क्योंकि नॉर्मल आप आओगे दिसंबर के टाइम, जनवरी के टाइम, तो उस टाइम यहाँ पर मिलता रश बहुत ज़्यादा। इस टाइम इतना रश नहीं है, और हाँ माहौल भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बारिश पड़ रही है, बारिश भी इतनी नहीं है, 5 मिनट होती है फिर रुक जाती है। तो यही है गोवा। तो भाई साहब उधर आप फोटो क्लिक करवा सकते हो खड़े होके, और इधर से एंट्री होती थी जेल की, लेकिन अंदर जाने के लिए इधर सीधा जाना पड़ता अंदर मेन एंट्रेंस से, ये घंटे वंटे लटके हैं यहाँ पर। तो गोवा अच्छा है, आओ वही गोवा घूमो, जेल देखो यहाँ की कैसी जेल है, तुम लोगों ने कभी नहीं देखी होगी ऐसी जेल। नमस्कार अंकल जी। तो यही है फोर्ट का जेल, और ये उस टाइम की दीवारें हैं, देख लो अभी तक कैसे काई जमी हुई है भाई साहब। उधर जाना भी मना है क्योंकि मानसून है। और आगे बना रखे हैं कुछ स्टैचूज वगैरह बना रखे हैं उस टाइम के, क्या उस टाइम कैसे कैसे हुआ था और क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें बना रखी हैं आगे। तो चलो चलते हैं वापस और मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।